फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप पेटीएम ऐप के थ्रू इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप ओपन कर लीजिए। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप किसी पीसी या लैपटॉप के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम से। आप पेटीएम ऐप, पेटीएम का जो साइट है उस पर जाइए और पेटीएम में लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको होम पेज में ही आपको ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा मोबाइल प्रीपेड पोस्टपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हम लोगों को पेमेंट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जाते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जाने के बाद आप जो बिल है पास में रख लीजिए, यदि क्योंकि आपको कुछ जानकारी है जो यहाँ देना होता है। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट फिल कर लीजिए। जैसा कि मेरा स्टेट झारखंड है, तो मैं झारखंड पहले से ही चूज़ है मेरा, फिर से चूज़ कर लिया हूँ। इसके बाद आपको मिलता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, आपका कौन सा इलेक्ट्रिक बोर्ड है। तो झारखंड में यहाँ दो तरह के इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका जो है वो चूज़ कर लीजिए। आप जिस स्टेट का है उस स्टेट का चूज़ करके अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना कर रहा हूँ, तो मेरा है JBVNL, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपके पास ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट टाइप का। तो चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट टाइप पे क्लिक करता हूँ और नीचे जाता हूँ अपने ऑप्शन को ढूंढते हुए। चूँकि मेरा है हज़ारीबाग, तो मैं एच से ढूंढता हूँ। आप हज़ारीबाग में देख रहे होंगे दो तरह का ऑप्शन है, हज़ारीबाग आर एंड हज़ारीबाग यू। तो हज़ारीबाग एक आर दैट मीन्स रूलर और यू मीन्स अर्बन। तो मैं फ़िलहाल रूलर एरिया में हूँ, तो हज़ारीबाग आर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन आया है कस्टमर नंबर, चूँकि आपका बिल का पहचान हो सके उसके लिए कस्टमर नंबर आपको देना है। तो चलिए मैं अपना नंबर देता हूँ, ए आर 000520। प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, बस ये कुछ ही देर में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे दिख भी रहा है 280, जो अमाउंट है 280 यहाँ पे कटने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे होंगे कस्टमर डिटेल्स, जिसमें नेम है, ड्यू डेट है जो कि पिछले महीने का ड्यू है, और बिल नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है, बिल डेट भी अवेलेबल है, एंड बिल पीरियड मंथली पीरियड में होता है वो भी दिया हुआ है। बस दोस्तों, ये थोड़ा सा समय लेता है। बस दोस्तों, ये ओपन हो ही रहा है, बस थोड़ा सा समय लेता है। तो दोस्तों, इसके बीच में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसी तरह का न्यू वीडियो मिलता रहेगा। तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये थोड़ा समय लेता है। तो चलिए, हमने प्रोमो कोड को अप्लाई कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं आगे ऑप्शन आने का। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कंप्लीट योर पेमेंट, आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको आपके बहुत सारे, मतलब आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू या फ़ोन बैंकिंग के थ्रू, आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर में आप सेव डिटेल्स का भी ऑप्शन दिया है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। चूँकि मैंने पहले से यूज़ किया है, तो मेरे पास मेरा जो कार्ड है वो सेव है पहले से। तो चलिए, उसी का ये यहाँ पे आ चुका है, इतने सारे कार्ड सेव है। तो मेरे पास ऊपर वाला जो दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया, मैं इसी से पेमेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ आपको आपका कार्ड का डिटेल सेव है, बस आपको CVV नंबर डालना है। तो चलिए, मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मैं डाल चुका हूँ, तो पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं या पेमेंट।
मोबाइल नेट बैंकिंग या फिर आप वन टाइम पासवर्ड के थ्रू अपने कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे का ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे, तो मैं नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, ऑप्शन टू का जनरेट एंड इंटर वन टाइम पासवर्ड, और इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है एक वन टाइम पासवर्ड आपके पास आता है, तो चलिए देखते हैं कौन सा पासवर्ड आता है। अभी तक तो कोई पासवर्ड वगैरह नहीं आया है। ये दोस्तों यहाँ पे एक वन टाइम पासवर्ड देखते हैं, ये पासवर्ड क्या है। तो आप देख रहे होंगे 8223556। चलिए सबमिट कर देते हैं। और दोस्तों सबमिट में करने के बाद आपको किसी की तरह कोई बैक वगैरह का बटन प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ऑप्शन कट जाएगा, मतलब पेमेंट बीच में ही रुक जाएगा, आप पेमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक बार सबमिट करने के बाद आप थोड़ा देर के लिए स्क्रीन को टच मत करिए, यहाँ वहाँ बस छोड़ दीजिए, बैक वगैरह कुछ नहीं करना है। देख सकते हैं आप, यहाँ ये हो चुका है। अब देखते हैं ऑर्डर समरी में क्या दिखाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये सक्सेसफुल लिख चुका है, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, और 20 रुपया का जो कैशबैक है विल बी एडेड टू योर पेटीएम वॉलेट विद इन 24 आवर। तो दोस्तों देख सकते हैं ऊपर से मैसेज भी आ चुका है पेटीएम का, हाई यू हैव रिसीव अ कैशबैक ऑफ ₹20 फ्रॉम पेटीएम ऑर्डर आईडी। मुझे पेटीएम मतलब मुझे कैशबैक भी मिल चुका है, मेरा रिचार्ज भी हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपने बिजली का बिल जो है उसे पे कर सकते हैं। बस आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से हैं, आप अपने स्टेट को चूज़ करिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करिए, आप अपना कौन सा आपका बिजली है उसको चूज़ करिए और पेमेंट इजली करिए, और साथ में बैक का भी मजा लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं।